और एक ना हम कृष्णा गए थे याद है, फिर सुबह से शाम गए थे क्या रात पड़ी तीन दिन भर हम साथ में थे तभी झूठ बोल के चलते गए थे। मेरे पास पूरा लिस्ट है फॉर माय पेरेंट्स, पूरी की पूरी लिस्ट है। मैं जब भी मतलब मेरी पूरी जब मेरी स्कूल ग्रुप होता था या फिर एनी मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में सबसे ज्यादा फ्रीडम जिसे मिली है वो मैं थी। आई हैव फ्रेंड्स जिनको इतने रेस्ट्रिक्शंस होते थे बट मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझ पर बहुत ट्रस्ट रखा है। जो मैंने कहा है दे गिवन मी, माय मॉम इज माय बेस्ट फ्रेंड। मतलब मॉम से ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं छुपा के रख सकती हूँ। मतलब शी कैन शी लुक्स एट मी एंड शी नो दैट इफ आई एम लाइंग शी कैन कंप्लीटली से हाँ चल तू झूठ बोल रही। तो मतलब मम्मी से मैं कुछ छुपा ही नहीं सकती हूँ और मुझे कभी ऐसा फीलिंग ही नहीं है कि उनसे कुछ छुपाना चाहिए। आई ऑलवेज शेयर एवरीथिंग विद हर, शी इज मोर लाइक अ बेस्ट फ्रेंड टू मी। एंड डैड ने भी मतलब ऐसे टिपिकल डैड्स होते हैं ना कि नहीं यू हैव टू चूज दिस करियर ऑप्शन, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू दिस, ऐसा कुछ है ना। ही हैज लेफ्ट इट अपॉन मी कि जो करना है करो। यू वांट टू डू सम कोर्सेज लाइक फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग, यू आर फ्री टू डू दैट एज वेल। He has always supported me. I was the one who said that I want to do CS. So he was the one that he supported. Ki chalo, you want to do CS, do it. Itne, so basically my parents were very supporting in everything. Darlings ke baare mein to bahut aisi cheez hai jo main miss karne wali hu. Reason being, I have never considered him as my elder brother because humme se 2-2.5 saal ka farak hai. So he is more like a twin brother because hamesha matlab kuch bhi problem ho या कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कभी मदद चाहिए तो there's only one person in my mind that comes up, that is Danish. कि हाँ Danish है ना, आई नो कि मेरे पीछे मेरे भाई का हाथ है तो आई कैन डू एवरीथिंग। मतलब ऐसा कभी किसी बात का डर नहीं लगेगा। सो एक्चुअली माई डैड एंड माई ब्रदर, दीज आर दी टू पीपल इन माई लाइफ जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट बनी हूँ। आई डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनीवन। इबादत रूबरू हो गए।